हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में फिल्म निर्माता गुरिंदर चड्ढा और सनी देओल साथ में एक फिल्म में काम कर रहे थे। गुरिंदर ने सनी के साथ करिश्मा को साइन किया था, लेकिन फिल्म निर्माण और रोल को लेकर गुरिंदर और सनी के बीच कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही थी। गुरिंदर ने सनी से उस समय कह दिया था कि यदि उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल पा रही, इसलिए वह फिल्म साथ में नहीं करेगी। सनी ने पहले ही बहुत पैसा फिल्म में लगा दिया था और वह फिल्म को रोकना नहीं चाहते थे। तारीख और लोकेशन को लेकर अंतिम रूप भी दे दिया गया था, टेक्नीशियन भी काम शुरू कर चुके थे। ऐसे में फिल्म रुकना यानी बहुत बड़ा नुकसान था। बॉबी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। तब बॉबी ने सनी को फिल्म निर्देशन करने के लिए कहा। सनी ने निर्देशन का जिम्मा ले लिया, लेकिन जब करिश्मा से बात की गई तो करिश्मा ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट में अब इंटरेस्टेड नहीं है। यह सुनकर सनी को बेहद धक्का लगा। सनी को पता था कि एक शीर्ष नायिका करिश्मा के बाहर जाने से फिल्म पर असर पड़ेगा। करिश्मा अपने फैसले पर विचार करने के अनुरोधों के बावजूद अड़ी थी और सनी डर सच हो गया जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। एक दशक बाद जब सनी ने अपना प्रोडक्शन हाउस को दोबारा रिवाइव किया और वह बेहतर निर्देशक बन गए, तो करिश्मा ने अपने कमबैक पर सनी के साथ काम करने का फैसला किया। करिश्मा घायल 2 का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन सनी को पुराने जख्म याद आ गए और सनी ने करिश्मा को ना कह दिया।